सब्सक्राइब कीजिए लर्न ट्रिपल ई चैनल को और प्रेस कीजिए इस बेल आइकॉन को ताकि आप देख सकें लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। हेलो दोस्तों, लर्न ट्रिपल ई चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त जगदीश जोशी। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एडवांटेजेस ऑफ इलेक्ट्रिक ड्राइव के बारे में, यानी कि जो हमारे आजकल जो रेलवे इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन के ऊपर वर्क कर रही है, यानी कि जो लोकोमोटिव हैं हमारे वो इलेक्ट्रिकल के बेसिस पे वर्क करते हैं। पहले जो था वो हमारे डीजल इंजन चलते थे, पेट्रोल इंजन चलते थे और स्टीम इंजन भी चलते थे। तो उसमें क्या होता था कि डीजल इंजन या फिर पेट्रोल इंजन या फिर हमारे जो स्टीम इंजन है उनमें काफ़ी पॉल्यूशन हो जाता था, और जो जो डीजल पेट्रोल और जो कोल है, यानी कि कोल को जलाने के बाद हम जो पानी को स्टीम में कन्वर्ट करते थे, वो जो हमारे फ्यूल जो हम इसमें यूज करते थे उसका जो सोर्स है वो लिमिटेड है, यानी कि वो जो भी हम फ्यूल को यूज कर रहे हैं वो फ्यूल हमारा लिमिटेड है, एक ना एक दिन उसने ख़त्म होना ही है। ठीक है, तो उसको कम से कम करने के लिए या फिर यूँ कह लें कि हम अपना जो पॉल्यूशन है पॉल्यूशन को ख़त्म करने के लिए हमने इसका इस्तेमाल किया, हमने इलेक्ट्रिकल लोकोमोटिव को यूज में लेके आए हम, क्योंकि इलेक्ट्रिकल लोकोमोटिव के काफ़ी एडवांटेजेस हैं, वही हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आप हिंदी में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड पोस्ट पढ़ना चाहते हैं, अपने डाउट्स क्लियर करना चाहते हैं, तो आप हमारी वेबसाइट www.learntripalee.com पर भी विजिट कर सकते हैं, और आप हमें सोशल मीडिया साइट्स पर भी फॉलो कर सकते हैं। लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, या फिर आप सिंपली इन साइट्स पर विजिट करके हमें फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए पोस्ट के ऊपर चलते हैं। अगर हम बात करते हैं एडवांटेजेस ऑफ इलेक्ट्रिक ड्राइव की, तो देखिए सबसे पहले जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव या फिर इलेक्ट्रिक ड्राइव को यूज करने का मेन पर्पज जो होता है हमारा, वो जो हमारा पॉल्यूशन है पॉल्यूशन को ख़त्म करना है। तो पॉल्यूशन यानी कि अगर हम रेलवे की बात करते हैं तो जो हमारे डीजल इंजन या स्टीम इंजन जो थे उनको रिप्लेस करके हमने इलेक्ट्रिक ड्राइव को यूज किया, हमने इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव को यूज किया, हमने उनको रिप्लेस कर दिया। तो उससे क्या होगा, जो कि डीजल और डीजल पेट्रोल या फिर स्टीम से जो पॉल्यूशन होता था वो इलेक्ट्रिक ड्राइव के यूज होने से वो पॉल्यूशन हमारा खत्म हो गया। दूसरा, हमारा इलेक्ट्रिक ड्राइव को यूज़ करने से क्या है, इलेक्ट्रिक ड्राइव का मेंटेनेंस जो है वो मेंटेनेंस काफ़ी इजी होता है और मेंटेनेंस कॉस्ट इसकी काफ़ी कम पड़ती है, लेकिन इसका जो मेंटेनेंस का जो टाइम होता है या फिर मेंटेनेंस में अगर कोई फॉल्ट हो जाए तो उस फॉल्ट को ढूंढने में काफ़ी टाइम लग जाता है, ये इसका डिसएडवांटेज है। क्योंकि जो इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव में इलेक्ट्रिक ड्राइव में हमें जो कनेक्शन करने पड़ते हैं, जो वायर्स के हमें कनेक्शन जो होते हैं वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है बाय कंपेयर कोल और ये स्टीम या फिर डीजल पेट्रोल के, क्योंकि वहाँ पे इंजन है अगर कोई भी फॉल्ट होता है तो फॉल्ट हमें दिख जाता है और उसको हम रिपेयर कर सकते हैं। बट इलेक्ट्रिक ड्राइव में हमारे जो काफ़ी कनेक्शन कर रखे हैं हमने, जो हमारे जो वायरिंग है काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, तो वहाँ पे थोड़ा फॉल्ट ढूंढने में काफ़ी थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, और दूसरा अगर हम इसकी स्पीड कंट्रोल की बात करें तो इसका स्पीड कंट्रोल जो है इलेक्ट्रिक ड्राइव का वो काफ़ी इजी हो जाता है बाय कंपेयर स्टीम और डीजल के। और ये जो इसका एडवांटेज ये भी है कि जो हमें मान के चलिए जो हम स्टीम और डीजल के जो लोकोमोटिव हम यूज़ करते थे पहले, उनको यूज़ करने से क्या होता था, देखिए उसके लिए हमें एक मतलब कि अलग से उसका एक स्टेशन रहता था फ्यूल का, जहाँ से हमें स्टीम के लिए कोल और पानी को हमें अपने लोकोमोटिव में अपने ट्रेन में स्टोर करके रखना पड़ता था। एंड जैसे डीजल की बात करते हैं हम, तो डीजल के लिए भी हमें
डीजल को स्टोर करके रखना पड़ता था इसमें, लेकिन इलेक्ट्रिक ड्राइव में ऐसा नहीं होता है। इलेक्ट्रिक जो ड्राइव होती है, इसमें हम सिंगल वायर सिस्टम से इसको इनपुट देते हैं, और इनपुट देने के बाद इसमें एक ड्राइव लगी होती है लोकोमोटिव में, जो आगे इसका इंजन होता है उसमें एक ड्राइव लगी होती है जो सिंगल फेज एसी इनपुट को 3 फेज में कन्वर्ट करती है, और उससे हम अपना 3 फेज इंडक्शन मोटर को चलाते हैं। कई में हम 3 फेज इंडक्शन मोटर यूज़ करते हैं, किसी किसी में हम डीसी सीरीज मोटर भी यूज़ करते हैं। तो वो हम आगे डिस्कस करेंगे अपने आने वाली वीडियोस में कि हम कहाँ पे डीसी मोटर यूज़ करते हैं और कहाँ पे हम 3 फेज इंडक्शन मोटर को यूज़ करते हैं। और इसका देखिए, ऐसे ही मैंने आपको बताया था, इसमें किसी भी कोल या फिर वाटर की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती है। और इसका जो एक डिसएडवांटेज जो है वो है कि इलेक्ट्रिक ड्राइव को यूज करने के लिए हमें, जब हम इसको यूज करते हैं, तो इसके लिए हमें एक अलग से अरेंजमेंट करना पड़ता है, ताकि ये टेलीकम्युनिकेशन जो लाइन होती है हमारी, उनको मतलब कि इंटरफेयर उसमें ना करे। क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि जितने भी हमारे इलेक्ट्रिक सिस्टम होते हैं, वो जो लोकोमोटिव सिस्टम होते हैं, वो क्या काम करते हैं, वो टेलीकम्युनिकेशन लाइंस को इंटरफेयर करते हैं, उनको मतलब कि उनमें एक तरीके से बाधा उत्पन्न करते हैं। ठीक है, तो उसके लिए अलग से हमें अरेंजमेंट करना पड़ता है इलेक्ट्रिक ड्राइव में। और उसके बाद अगर हम बात करें, तो इसके लिए हमें जो देखिए जो जो टर्मिनल स्पेस चाहिए होता है, वो लेस टर्मिनल स्पेस चाहिए होता है, और इसका जो साइज़ जो होता है, वो थोड़ा सा साइज़ भी हमें कम ही चाहिए होता है। ठीक है, बाकी अगर हम कोल की बात करते हैं, डीजल की बात करते हैं, तो उसके लिए एक ये जो नीट एंड क्लीन सिस्टम है हमारा, जो इलेक्ट्रिक ड्राइव जो है वो नीट एंड क्लीन है, किसी भी तरीके का कोई पोल्यूशन नहीं है, और जो किसी भी तरीके का कोई इससे मतलब कि इलेक्ट्रिक ड्राइव यूज़ करने से किसी भी तरीके का कोई भी वेस्ट मटेरियल हमको नहीं मिलता है, ये इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। और बाकी मैं आपको जो आपने अगर आपने डीजल इंजन, पेट्रोल इंजन या फिर स्टीम इंजन नहीं देखे, तो मैं कोशिश करूँगा अपनी आने वाली वीडियोस में आपको प्रैक्टिकली इन्हें दिखाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो मैं डीजल इंजन, पेट्रोल इंजन और स्टीम इंजन, इलेक्ट्रिक इंजन तो आपने देख ही रखे हैं, आजकल जितनी भी ट्रेनें हमारी चल रही हैं वो ज़्यादातर इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव ही है, इलेक्ट्रिक ड्राइव यूज होता है उसमें, लेकिन डीजल, पेट्रोल और कोल का भी इंजन मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, तो उसके बाद अगर हम बात करते हैं इसके, देखिए इसका मेंटेनेंस, रनिंग कॉस्ट एंड टाइम रिक्वायर्ड फॉर मेंटेनेंस इज काफ़ी, इस मतलब कि इसका जो मेंटेनेंस कॉस्ट होती है वो काफ़ी लो होती है, इसकी रनिंग कॉस्ट काफ़ी लो होती है, एंड इसका जो रनिंग मेंटेनेंस है वो भी काफ़ी लो होता है, अगर हम बात करते हैं स्टीम और डीजल की। और उसके बाद अगर हम बात करें इसके टॉर्क की, देखिए इसका स्टार्टिंग टॉर्क जो होता है, स्टार्टिंग टॉर्क काफ़ी अच्छा होता है, और इसका देखिए जो ट्रैफिक हैंडलिंग कैपेसिटी जो होती है इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव की, वो भी काफ़ी अच्छी होती है, और ब्रेकिंग कैपेसिटी भी इसकी काफ़ी अच्छी होती है। देखिए जो ब्रेकिंग इलेक्ट्रिक मतलब कि जो ट्रैक्शन जो है, ट्रैक्शन में ब्रेकिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, काफ़ी इंपॉर्टेंट मानी जाती है ब्रेकिंग इसमें। तो अगर हम डीजल और स्टीम से इसका कंपैरिजन करते हैं, तो इसमें इलेक्ट्रिक ड्राइव जो है हमारा, इसका ब्रेकिंग सिस्टम जो होता है वो काफ़ी अच्छा होता है बाय कंपेयर स्टीम और कोल के। ओके गाइस, तो ये कुछ इसके एडवांटेजेस थे। आगे आने वाली वीडियोस में मैं आपको इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन से सिस्टम से रिलेटेड, इसमें सिंगल फेज, 3 फेज, डबल फेज एंड इसके मोटर के बारे में बताऊंगा कि इसमें 3 फेज और डीसी मोटर कहाँ पर यूज़ की जाती है और क्यों यूज़ की जाती है, और इसमें जो ट्रांसमिशन सिस्टम जो होता है इसका, उसमें हम कितना वोल्टेज इनपुट में देते हैं, और किस तरीके से इसका पूरा का पूरा जो मोटर है वो किस तरीके से वर्क करती है। तो अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो बगल में बेल आइकॉन है उसे भी ऑन कर लीजिएगा, ताकि आप आने वाली वीडियोस हमारी बिल्कुल भी मिस ना कर पाए। और अगर आपको ये वीडियो कैसी लगी, प्लीज़ हमें आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि हम भी मोटिवेट हो सकें आपके लिए और भी ज़्यादा वीडियोज़ बनाने के लिए। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, जल्द मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।